टुडे आवर टॉपिक इज सब फाइलम सार्कोडिना और सब फाइलम सार्कोडिना को हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम द फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा और फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर दो सब फाइलम होते हैं. नंबर वन इज फाइलम मेस्टिगोफोरा जिसको हम स्टडी कर चुके हैं एंड द सेकंड वन इज फाइलम सार्कोडिना. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब फाइलम सार्कोडिना. सब फाइलम सार्कोडिना के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर सूडोपोडिया लोकोमोशन होती है. और सूडोपोडिया जो होता है, सूडो के मीन्स होते हैं फॉल्स और पोडिया मीन्स होते हैं फीट. ये इस वर्ड के मीनिंग है. और ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके अंदर ये होता है कि जो मेंबर होते हैं सब फाइलम सार्कोडिना के मेंबर्स होते हैं अमीबा. अमीबा जो होते हैं ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, मेंबर्स ऑफ सब फाइलम सार्कोडिना आर द अमीबा. अमीबा जो हैं ये सब फाइलम सार्कोडिना के मेंबर्स हैं और इनके जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी एक्सटेंशन होती है और सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो जाती है. तो इनमें क्या होता है, दे फॉर्म टेम्परेरी सेल एक्सटेंशन. ये टेम्परेरी सेल एक्सटेंशन बनाते हैं और वो जो टेम्परेरी सेल एक्सटेंशन होती हैं उनको सूडोपोडिया कहते हैं. मतलब कि कुछ ये टेम्परेरी सेल एक्सटेंशन जो होती है ये फॉल्स फीट की फॉर्मेशन कर देती है. ठीक है, फॉल्स फीट बन जाते हैं जिनको सूडोपोडिया कहते हैं. और जितने भी सब फाइलम सार्कोडिना के अंदर मेंबर्स आते हैं वो सारे अमीबा से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अमीबा की टाइप्स होती हैं या अमीबा होते हैं वो सब, और उनके अंदर सूडोपोडिया लोकोमोशन होती है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया को भी देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर. स्ट्रक्चर देखेंगे हम अमीबा का. ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. अमीबा के अंदर ये जो सेल एक्सटेंशन हुई है, टेम्परेरी सेल एक्सटेंशन, ये वाली जो सेल एक्सटेंशन है इसको कहते हैं सूडोपोडियम. मतलब अगर एक सिंगल एक्सटेंशन है, सिंगल फीट बना हुआ है, तो ये इसको हम सूडोपोडियम कहेंगे. लेकिन अगर ये सारे हैं, सारे जो हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम कहेंगे सूडोपोडिया. ठीक है, लेकिन अगर एक सिंगल है, सिंगल फीट है, तो उसको हम कहेंगे सूडोपोडियम. तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो सेल एक्सटेंशंस बनी हुई हैं इनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिसकी हेल्प से जो अमीबा होते हैं ये लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं. ये इनका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये इनका फेगोसाइटिक वैक्यूल है जिसके अंदर डाइजेशन होती है. जो फूड ये इनटेक करते हैं उसकी डाइजेशन होती है इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर. और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो वाटर और साल्ट जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट करता है बॉडी से, उस ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और इसके अलावा एंडोप्लाज्म होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है इसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं. और ये जो जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन जो स्पेस पार्ट होता है प्लाज्मा का, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म का, उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म. ठीक है, तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. और इसके अंदर अब हम फर्दर स्टडी करते हैं. डिफरेंट टाइप्स होती हैं सूडोपोडिया की, सूडोपोडिया लोकोमोशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको फर्दर स्टडी करते हैं. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. यहाँ पर है फर्स्ट टाइप है लोबोपोडिया, नेक्स्ट है फिलोपोडिया, देन रेटिक्यूलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया. दीज आर द टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया. और सबसे पहले हम देखेंगे लोबोपोडिया जिसके अंदर है, इसके मीनिंग होते हैं लिटिल फूट. लोबोपोडिया मीन्स लिटिल फूट. और अमीबा के अंदर ये प्रेजेंट होती है. यहाँ पर हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर यहाँ पर लोबोपोडिया लोकोमोशन शो हो रही है और ये लोबोपोडिया स्ट्रक्चर बन रहा है इस जगह पर. और ये सूडोपोडिया की एक टाइप है और ये हेल्प करती है फॉर द लोकोमोशन एज वेल एज इनगल्फिंग फूड. ठीक है, फूड को इनगल्फ करने के लिए भी ये हेल्प करती है और लोकोमोशन के लिए भी ये हेल्प करती है. दूसरा ये कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है लोबोपोडिया के अंदर कि दे आर ब्रॉड सेल प्रोसेसेस कंटेनिंग एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. ये इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है, उस लोबोपोडिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये इनके पास एक्टोप्लाज्म भी होता है, एक्टोप्लाज्म भी होता है और एंडोप्लाज्म भी होता है. ठीक है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म क्या है, ये साइटोप्लाज्म के पार्ट्स हैं जो जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं. और जो लोबोपोडिया होती है इनके पास दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. राइट, नेक्स्ट है फिलोपोडिया. फिलोपोडिया के मतलब होते हैं थ्रेड लाइक. फिलोपोडिया मीन्स थ्रेड लाइक. ये बहुत जो है नीडल लाइक और थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये फिलोपोडिया का स्ट्रक्चर है. और ये एग्जांपल है, अमीबा की ही एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. और थ्रेड लाइक जो फिलोपोडिया इनके अंदर लिखा हुआ है कि दे कंटेन एक्टोप्लाज्म ओनली. इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनके पास सिर्फ एक्टोप्लाज्म ही प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता. सो दे कंटेन एक्टोप्लाज्म ओनली. ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट. ठीक है, इसके अंदर जो फिलोपोडिया होते हैं इनके अंदर टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी ये देते हैं. और जो टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, इधर लिखते हैं टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है इनके अंदर. ठीक है, फिलोपोडिया
के अंदर टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये जो मूवमेंट होती है फैक्ट्रियों के अंदर, ये जो मूवमेंट होती है, जैसे फैक्ट्रियों में पट्टे के ऊपर चीज़ें चलती हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों के अंदर जैसे पट्टे के ऊपर चीज़ें मूव करती हैं ना टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट के अंदर, इसी तरह ये टू वे स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है फिलोपोडिया के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं रेटिक्यूलोपोडिया। और रेटिक्यूलोपोडिया के मीन्स होते हैं नेट लाइक, और ये सिमिलर होता है फिलोपोडिया से, ठीक है। जैसे फिलोपोडिया का जो स्ट्रक्चर होता है, रेटिक्यूलोपोडिया का स्ट्रक्चर भी उससे सिमिलैरिटी शो करता है। ये दोनों सिमिलैरिटी रखते हैं। तो जो रेटिक्यूलोपोडिया होता है इसके अंदर, इसके मीनिंग है नेट लाइक, और इसको हम अगर इस पिक्चर के अंदर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि रेटिक्यूलोपोडिया के अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। फिलोपोडिया के अंदर तो सिंपल थ्रेड्स बन रहे थे, लेकिन रेटिक्यूलोपोडिया के अंदर थ्रेड्स बनने के बाद उनकी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है रेटिक्यूलोपोडिया के अंदर। और बट उसने ये लिखा है कि दे आर सिमिलर टू फिलोपोडिया बट दे आर ब्रांचिंग एंड रीजॉइन टू फॉर्म अ नेट लाइक सीरीज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। सिमिलर तो हैं ये फिलोपोडिया के, लेकिन ये ब्रांचेस बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये नेट लाइक अपीयरेंस शो कर रहे हैं। तो ये है रेटिक्यूलोपोडिया। नेक्स्ट है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया जो है इसके मीन्स हैं एक्सेल लाइक स्ट्रक्चर। एक्सोपोडिया के अंदर लिखा है कि दे आर थिन फिलामेंटस एंड सपोर्टेड बाय अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। जो एक्सोपोडिया स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ऐसे एक्सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरते हैं, ठीक है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट एक्सेल जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस से गुजर रहे हैं। तो अगर इसका अगर मीनिंग देखें एक्सेल के, तो मीनिंग है अ रोड और स्पिंडल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ व्हील। जैसे एक व्हील के अंदर से एक सेंटर से एक रोल और स्पिंडल पास करता है, इसी तरह एक्सोपोडिया जो है इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है कि ये सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एंगल्फिंग फूड को पकड़ते हैं, कॉट करते हैं, और उस फूड को पकड़ के ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म ऑफ अमोइबा के अंदर लेकर जाते हैं, और इसके अलावा ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं सूडोपोडिया के, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिक्यूलोपोडिया और एक्सोपोडिया। और इन सबको हमने इनकी स्ट्रक्चर्स के साथ अंडरस्टैंड किया है कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिक्यूलोपोडिया और एक्सोपोडिया के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ कैसे लोकोमोशन करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। तो टुडे आवर लेक्चर वाज अबाउट द सूडोपोडिया लोकोमोशन एंड द टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक।